आज हम आपको रियल और फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। जो कल हमने आपको कलॉग फंक्शन बताया था, आज हम रियल और फंक्शन बताने वाले हैं। तो रियल और फंक्शन के लिए आपको तीन चीजें हम कर सकते हैं। रियल और में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं मेमोरी डायनेमिकली और इंक्रीज कर सकते हैं। रीएलोकेशन मेथड इन सी है। इट यूज अ डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। जो पहले से मेमोरी एलोकेटेड होती है उसी को फिर से डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं रीएलोकेशन से। In other word, if the memory previously allocated with the help of malloc or calloc is insufficient, realloc can be used to dynamically reallocate memory. Reallocation of memory maintains the already present value and new block will be initialized with the default garbage value. So, reallocation jo value hoti hai ki wo pehle se jo इनिशियलाइज वैल्यू होती है उसको तो रिट्रीव करती है, प्रिजर्व किए रहती है, लिए रहती है, लेकिन साथ में कुछ न्यू ब्लॉक्स जो अलॉट करती है उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाती है। दैट मीन्स कि रीअलॉक मेलॉक को यूज़ करता है, क्योंकि कलॉक में हमने कल आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज हो जाता है और इसी वजह से कलॉक स्लो होता है और मेलॉक फास्ट होता है। तो रीअलॉक का सिंटैक्स है PTR कॉमन न्यू साइज, वेयर PTR इज रीएलोकेटेड विद अ न्यू साइज। जो न्यू साइज हम लेते हैं उसके हिसाब से हमारा PTR का एलोकेटेड मेमोरी बढ़ जाता है या घट जाता है। इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट एलोकेशन फेल्स एंड रिटर्न नल पॉइंटर। और लेकिन अगर मेमोरी में इनसफिशिएंट मेमोरी होती है तो एलोकेशन फेल हो जाता है। किस तरह से ये तीन ढंग से काम करता है वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ये रीएलोकेट करता है मेमोरी को। कैसे एलोकेट करता है? एक पॉइंटर हम लेंगे PTR, नल करेंगे, CLR SCR करेंगे, क्लियर स्क्रीन करके रीएलोकेट PTR 10 कर लेंगे। सबसे पहले PTR हमारा नल था, अब हम जब उसको एलोकेट करेंगे तो PTR हमारा 10 मेमोरी स्पेस से एलोकेट डायनेमिकली हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो गई है और सक्सेसफुली, और उसका स्टार्टिंग बेस एड्रेस 1468 आ गया। सेकंड ये क्या काम करता है इसको देखते हैं हम लोग। सेकंड ये क्या करता है, if the given size is smaller than the actual size, it will simply reduce the memory size. अगर आपकी जो नई आ रहे है उसमें आपकी साइज स्मॉलर है जो पहले से एलोकेटेड मेमोरी है तो आपकी मेमोरी को रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा? अगर आपके पास पहले से कोई वैल्यू PTR है और उसमें n वैल्यू असाइन है मेलॉक के थ्रू, उसमें n वैल्यू हमने मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हैं उनको मेलॉक के थ्रू डायनेमिक वैल्यू असाइन किया है इंटीजर टाइप की और उसकी वैल्यू को असाइन किया है, तो वन बाय वन उसकी वैल्यू उसमें जाएगी और उसमें वन बाय वन वैल्यू उसमें जाएगी और असाइन हो जाएगी और उसको हम प्रिंट करा पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर असाइन हो रही है वैल्यू, फिर यहाँ से प्रिंट हो रही है। अब इसको अगर हम फ्री नहीं करते तो क्या होगा और फ्री करते हैं तो क्या होगा, तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए 10 वैल्यू इसमें चली गई। अब इसको फ्री किया और उसको रिड्यूस करके देखे लाए तो हम ये 5 वैल्यू फिर से इसमें आ गई और आगे की वैल्यू नहीं दिखेगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे हुई? यहाँ पर पहली वाली वैल्यू को फ्री कर दिया और नई वैल्यू को डाल दिया जिसमें हमने PTR में i प्लस
फ्री किया। अब मान लीजिए हम फ्री नहीं करते हैं, तब क्या होगा? फ्री नहीं करते हैं तब क्या होगा? तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, पहले 10 वैल्यू उसने ली, फिर न्यू वैल्यू आपकी फिर से असाइन हो गई इसमें। तो फ्री नहीं भी हुई है तब भी वो 5 वैल्यू को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस जो फ्री कर देने का क्या फायदा है कि जो वैल्यू उसमें डली हुई है वो क्लियर हो जाएगी, तो वो बफर हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम फ्री नहीं करेंगे तो वो बफर क्लियर नहीं होगा। और अगर यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो 5 तक प्रिंट तो करेगा लेकिन उसको फ्री नहीं करेगा। तो इस तरह से हम डायनेमिकली स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं रीअलॉक करके। यहाँ पे देखिए रीअलॉक का सिंटैक्स क्या है, रीअलॉक ptr n star साइज ऑफ int। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर में एलोकेटेड वैल्यू 5 प्लेस तक जाएगी, और फ्री कर देने से हमारी मेमोरी क्लियर हो जाएगी जिससे कि वो आगे के लिए एग्जॉस्ट नहीं होगा और काम होता रहेगा। तो इस तरह से हम मेमोरी को एलोकेट करके रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब थर्ड काम आपका क्या है कि मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा कैसे सकते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉइंटर बनाया जिसमें वैल्यू हमने स्टोर की, एक ही वैल्यू स्टोर की, ptr 0 में 1 को स्टोर किया, एक ही इंटीजर लिया और साइज ऑफ इंटीजर के बराबर वैल्यू मैलॉक के थ्रू ptr में इंस्टॉल किया, असाइन किया। तो वहाँ पर एक वैल्यू देखिए डाल दिया, लेकिन जब रीएलोकेट करते हैं तो अब हम उसको 3 एलिमेंट देते हैं, 3 इंटू साइज ऑफ इंट करेंगे जब हम, तो ptr 1 2 हो जाएगा, ptr 2 3 हो जाएगा। और इसको clr/scr करके फिर हम प्रिंट करेंगे, तो अब देखिए ये वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए क्या करेगा, ये 1 2 3 हो गया। फर्स्ट टाइम क्या था, केवल इसने 1 असाइन किया था, हम चाहते तो यहाँ पर ptr को प्रिंट कर सकते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट f परसेंट d / n कॉमा ptr / 0 ब्रैकेट में 0 और सेमीकोलन। अब इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है। ब्रैकेट लगना बंद, छूट गया है। अब ये देखिए 1 2 3 प्रिंट किया उसने, clr/scr दे दिया है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा ये वाला। तो यहाँ पे गेट ch लगा दें थोड़ी देर, गेट ch सबसे पहले क्या करेगा, ओनली 1 वैल्यू रन करते हैं इसको। तो ये देखिए केवल पहली बार तो 1 वैल्यू लेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो 1 2 3 ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी एरे की साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसी को एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया है। इसमें क्या करेगा आपका प्रोग्राम में ptr n काम सब वही करेंगे, लेकिन देखिए इसमें कैलॉग से कर रहा है, int star calloc n size of int लिया और इसमें null को असाइन को चेक किया, अगर null नहीं है तो मेमोरी
properly assigned, otherwise नहीं है नहीं तो properly assigned हो गई है dynamic memory. अब उसमें value हमने one by one डाली, जहाँ पर n हमने enter करा रखा है, n equals to 5 ले रखा है, तो 5 value यहाँ आ जाएगी. अब इसको increase करेंगे तो realloc ptr n star size of int ले लेंगे, और यहाँ पर अब फिफ्थ पोजीशन से हम वैल्यू को स्टोर करना शुरू कर रहे हैं. तो हम लूप्स के थ्रू भी डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू पॉइंटर में, और लूप के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे लूप के थ्रू हम फिफ्थ पोजीशन से टेंथ पोजीशन तक वैल्यू को असाइन करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे. तो इसको करके हम देखते हैं कि इंक्रीज होती है साइज की नहीं होती है रीएलोकेशन से. तो देखिए, सबसे पहले मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग कैलॉग. कैलॉग को यूज करके 5 एलिमेंट्स डाले. एंटर न्यू साइज ऑफ द एरे 10 हमने डाला, मेमोरी एलोकेट हो गई. और अब वैल्यू देखिए 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ गई. तो इस तरह से हम मेमोरी के डायनेमिक एलोकेशंस के थ्रू एलिमेंट की पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं. तो रीएलोकेशन के थ्रू हमें बार बार जो वैल्यू असाइन की है डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, और हमारी वैल्यू उसमें आके स्टोर हो जाएगी. देखिए, यहाँ पे वैल्यू फिफ्थ पोजीशन से स्टोर हो रही, ना कि जीरो पोजीशन से. दैट मीन्स कि रीएलोकेशन के बाद भी पुरानी वैल्यू जो होती है आपकी, वो डायनेमिक मेमोरी में एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है, हमको उसको फिर से प्रोसेस नहीं करना पड़ता. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर. फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक. और अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं. जो क्यूरीज हमसे की गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों कंडीशन रीअलॉक की बता दी. अब अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.